नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भारत पाक विदेश सचिव स्तरीय बैठक टली, नई तारीख तय होगी। भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच यहां होने वाली बैठक अब शुक्रवार को नहीं होगी। पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता काजी खलीलुल्लाह ने गुरुवार को बताया कि दोनों देश इस बैठक की नई तारीख तय करने के बारे में आपस में बातचीत कर रहे हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार देर रात स्थिति की समीक्षा की। बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज एवं विदेश सचिव एस जयशंकर भी मौजूद थे। क्रिकेटर मोहम्मद शमी का भाई गिरफ्तार, दरोगा से मारपीट। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाई को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डिडोली कोतवाली में गौकशी के मुकदमे में वांछित चल रहे आरोपी को छुड़ाने के लिए शमी के बड़े भाई मोहम्मद हसीब पुलिस टीम से भिड़ गए। खबरों के अनुसार शमी के भाई ने दरोगा से हाथापाई कर उसकी वर्दी फाड़ दी। इस झगड़े में वांछित आरोपी मौका देखकर फरार हो गए, जबकि पुलिस ने क्रिकेटर के भाई को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान ने पठानकोट हमले की जांच के लिए समिति गठित की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बुधवार को पठानकोट एयरबेस पर हमले की जांच के लिए पंजाब के आतंकवाद विरोधी विभाग के महानिदेशक राय ताहिर के नेतृत्व में 6 सदस्यीय जांच दल के गठन की घोषणा की। दूसरी ओर इस हमले के सिलसिले में जिन 3 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें एक निजी विश्वविद्यालय का छात्र भी शामिल है। छात्र आरिफ बाला निवासी उस्मान सरवर लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट का छात्र है। जकार्ता में सिलसिलेवार विस्फोट और गोलीबारी, 6 लोगों की मौत। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में गुरुवार को सिलसिलेवार विस्फोटों और गोलीबारी में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। ये धमाके इस्लामिक स्टेट के उस बयान के बाद हुए हैं जिसमें कहा गया था कि आईएस अब इंडोनेशिया में अपना विस्तार करेगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अब तक 7 विस्फोट हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस अभियान में 14 आतंकवादी शामिल हैं। उत्तरी जापान में जबरदस्त भूकंप। उत्तरी जापान में होक्काइडो अपतटीय क्षेत्र में भूकंप का जबरदस्त झटका महसूस किया गया। हालांकि इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई। भूकंप स्थानीय समय अनुसार अपराह्न 12:30 पर आया, जिसकी शुरुआती तीव्रता 6.7 बताई गई है। सिंहस्थ में शाही स्नान के दौरान चलेंगी 178 विशेष ट्रेन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अप्रैल में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के दौरान देश के विभिन्न प्रांतों में यहां आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए रेल प्रशासन 178 विशेष ट्रेनें चलाएगा। रतलाम रेल मंडल प्रबंधक मनोज शर्मा ने बताया कि सिंहस्थ के सामान्य दिनों में विभिन्न स्थानों से उज्जैन तक 78 ट्रेनें चलाई जाएंगी। वहीं शाही स्नान के दौरान 178 ट्रेनें चलेंगी। रेलवे द्वारा प्रस्तावित योजना के तहत मुख्य स्टेशन पर 55 टिकट खिड़की की व्यवस्था होगी। उज्जैन के आसपास इंदौर, रतलाम, शाजापुर, देवा समेत कई अन्य स्टेशनों पर 44 अस्थायी टिकट खिड़कियां स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।